और इस बार लोकसभा चुनाव में आए नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया। अखिलेश के नेतृत्व में जहां समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती तो बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, लेकिन मायावती की पार्टी बीएसपी ने अपने प्रदर्शन से निराश किया। लोकसभा में उसे एक भी सीट नहीं मिल पाई। कई विधायकों के सांसद बन जाने से 10 सीटों पर उपचुनाव होगा। बीएसपी ने फैसला किया है कि अब सभी सीटों पर वो उम्मीदवार उतारेगी। उत्तर प्रदेश जहां से देश की राजनीति तय होती है, लोकसभा चुनाव में उसके नतीजे केंद्र में सरकार बनने के लिए सीधे तौर पर असर डालते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में वो दिख भी गया। बीजेपी को जहां पिछले चुनाव के मुकाबले आधी सीटें मिली, तो वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ऐसा करिश्माई प्रदर्शन किया जिससे तमाम राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए। लेकिन इस चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी तो रसातल में पहुंच गई। साल 2019 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ था और तब बीजेपी के बाद बीएसपी को सबसे ज्यादा 10 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार तो पार्टी का खाता भी नहीं खुला। वहीं विधानसभा उपचुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहद ही निराश करने वाला रहा। ऐसे में बीएसपी को गहन आत्ममंथन की जरूरत है और अब वो आने वाले उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। मायावती लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के साथ नहीं गई, इसका उन्हें भारी खामियाजा उठाना पड़ा। अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती तो कुछ सीटें मिल सकती थी, लेकिन अब इस पर बात करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। बीएसपी की राजनीति की धुरी दलित वोट माने जाते हैं, लेकिन अब आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर उनके लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन के असर के बीच चंद्रशेखर नगीना सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। ऐसे में बीएसपी के सामने खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती है। पर उपचुनाव में भाग न लेने वाली बहुजन समाज पार्टी ने अब फैसला लिया है कि उपचुनाव में भी वो अपनी किस्मत आजमाएगी। अब देखना अहम रहेगा कि दलित मतदाता उसके पक्ष में आते हैं या नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। इसके लिए मायावती जी ने अपने जिलाध्यक्षों को सबको निर्देश दिया है, कल बैठक किया है, पार्टी के पूरे कोऑर्डिनेशन कर रही हैं, कोऑर्डिनेटर्स को लगा रही हैं, क्योंकि और मायावती जी के लिए सबसे बड़ा बुरा दौर चल रहा है राजनीतिक तौर से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जहां 1995 से लेकर के 2007 से 12 तक का मायावती जी ने 4 बार सरकार बनाई, वो आज नेपथ्य में है और एक सीट पर सिमट करके रह गई है। लोकसभा चुनाव में जीत हार का सबसे बड़ा फैक्टर बना था दलित वोट, इसलिए इन उपचुनाव में ये तय हो सकता है कि भविष्य में दलित वोटों का मसीहा कौन बनने वाला है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीएसपी से दलित वोट छिटका हुआ है, उससे इंडिया गठबंधन को काफी फायदा पहुंचा। अब बीएसपी के सामने अपने कोर वोटर को बचाने के लिए अस्तित्व की लड़ाई सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। और लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन का जोश हाई है और आने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों दलों ने मंथन शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि क्या 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में दोनों दल साथ में लड़ेंगे? अगर हां तो कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें आएंगी और कितनी सीटों पर सपा लड़ेगी? लड़ेगी एसपी कांग्रेस। दस सीट गठबंधन रिपीट, तो किसे कितनी सीट? यूपी की पॉलिटिक्स में कभी सन्नाटा नहीं रहता। यहाँ हर दिन हर पल कुछ ना कुछ दाव पे चले जाते हैं। अभी लोकसभा चुनाव का शोर शांत ही हुआ था कि विधानसभा उपचुनाव के लिए दलों ने कमर कस ली है। दस विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जमीन तैयार हो चुकी है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश और राहुल की दोस्ती सूबे में भी जारी रहेगी, क्योंकि यूपी के 9 विधायक अब सांसद बन चुके हैं। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव के दौरान 10 विधायक जीतकर सांसद बने हैं, जिसके चलते इन सभी सीटों पर विधानसभा उपचुनाव कराया जाएगा। ऐसे में 10 विधानसभा सीटों में से 5 पहले ही समाजवादी पार्टी के पास है और 5 भारतीय जनता पार्टी
के पास है, लेकिन इस दौरान कांग्रेस भी इन विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन अगर 2022 के आंकड़ों की बात करें तो 10 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने करहल को छोड़ सभी 9 विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ा था, लेकिन सभी 9 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, 4 सीटों पर सपा का कब्जा था, जबकि 6 सीटों पर बीजेपी काबिज थी, यानी 10 खाली हुई सीटों में कांग्रेस शून्य थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर एसपी कांग्रेस साथ आए, अखिलेश कांग्रेस को कितनी सीट देंगे। उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव में इंडिया अलायंस के साथ मिलके लड़ेगी। कल हमारी एक बैठक हो रही है प्रदेश में, जिसमें हमारे प्रदेश के नेताओं के जरिए एक चर्चा होगी कि उपचुनाव में किस तरीके की रणनीति लेनी है। फिर हाई कमान हमारा डिसीजन करेगा किन सीटों पर इंडिया अलायंस के साथ मिलकर हम लोगों को चुनाव लड़ना है। कांग्रेस का दावा 2024 छोड़िए 2027 के चुनाव तक का है, लेकिन बहुत कम चांस नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस उपचुनाव में दावेदारी ना ठोके। सवाल यह है कि 2022 के प्रदर्शन को अगर आधार बनाया गया तो गठबंधन में उसके खाते में कितनी सीटें जाएंगे, क्योंकि 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, एक सीट करहल पर कांग्रेस लड़ी ही नहीं थी। सवाल यह है कि 2022 में इतने खराब प्रदर्शन वाली इन सीटों पर कांग्रेस की तरफ से दावेदारी क्या होगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में जिस तरह दलित और गैर यादव ओबीसी वोट बड़े पैमाने पर सपा की ओर खिसकते दिखे, उससे अखिलेश यादव के तेवर थोड़े नरम नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने उपचुनाव की कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारने में अपनी रुचि दिखाई है, क्योंकि पार्टी को यूपी में सफल गठबंधन को आगे ले जाने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक सपा कांग्रेस पार्टी को 1 से 2 सीटें ऑफर कर सकती है, जिसमें गाजियाबाद भी शामिल हो सकती है। फिलहाल उपचुनाव की जंग इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी अयोध्या जैसी सीटों पर हार के बाद हर दांव सोच समझ कर चल रही है। अब उपचुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि दो लड़कों की जोड़ी का जलवा कितना कायम है और कितना कम।